ऐसा हो मंदिर की भगवान भी रहने को मजबूर हो जाए। वास्तु विज्ञान के अनुसार देवी देवताओं की कृपा घर पर बनी रहे, इसके लिए पूजा घर वास्तु दोष से मुक्त होना चाहिए। जहाँ पूजा घर वास्तु दोष के नियमों के विपरीत होता है, वहाँ ध्यान और पूजा करते समय मन एकाग्र नहीं रह पाता है, इससे पूजा पाठ का पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार पूजा घर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में होना चाहिए। इन दिशाओं में पूजा घर होने पर घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। पूजा घर के ऊपर अथवा इसके अगल बगल में शौचालय या स्नान घर नहीं होना चाहिए। आजकल बहुत से लोग सीढ़ी के नीचे या तहखाने में पूजा घर बनवा लेते हैं, जो वास्तु के अनुसार उचित नहीं है। अगर एक ही घर में कई लोग रहते हैं तो अलग अलग पूजा घर बनवाने की बजाय मिलजुल कर एक पूजा घर बनवाएं। एक ही मकान में कई पूजा घर होने पर घर के सदस्यों को मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भगवान को एक दूसरे से कम एक इंच की दूरी पर रखें। अगर घर में एक ही भगवान की दो तस्वीरें हों तो दोनों को आमने सामने बिल्कुल न रखें। एक ही भगवान के आमने सामने होने पर घर में आपसी तनाव बढ़ता है। अगर जगह की कमी के कारण शयन कक्ष में ही पूजा घर बनाना पड़े तो ध्यान रखें कि बिछावन इस प्रकार हो ताकि सोते समय भगवान की ओर पैर नहीं हो। घर का मंदिर सुंदर, स्वच्छ और इतना पवित्र होना चाहिए कि भगवान भी ठहरने को मजबूर हो जाए।